किसान आंदोलन के चलते बंद नेशनल हाईवे को खोलने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कल होगी सुनवाई। किसानों का आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोली दागी, सीमा पर थ्री लेयर बैरिकेडिंग की सुरक्षा। शंभू बॉर्डर पर फूल और कांटे एक साथ दिखे, आंसू गैस के गोली दागने के बाद पुलिस ने किसानों पर फूलों की बरसात की। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा मार्च करने की जरूरत नहीं, सरकार बातचीत के लिए तैयार। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा विरोध प्रदर्शन के 300वें दिन भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, कहा बैठक के बाद जल्द अगली रणनीति का होगा ऐलान। राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी रहे मौजूद। एमबीए ने सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। लातूर के किसानों को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा आम जनता की सरकार, किसी के ऊपर भी नहीं होने देंगे अन्याय। सोलापुर के मरकड़वारी में शरद पवार ने जनता से बात की, कहा चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत, अमेरिका जैसे बड़े देशों में बैलेट से हो रहा है चुनाव। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लिया। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ की 60वीं स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड में हुए शामिल, जीप पर सवार होकर दी सलामी। नारायण सिंह चौरा की अमृतसर कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने आरोपी नारायण चौरा की 3 दिन की रिमांड और बढ़ाई, 4 दिसंबर को अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई थी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, कहा हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित, और धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश को ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा जिनका कोई अस्तित्व नहीं। गाजियाबाद में बारातियों में हुई लड़ाई, मारपीट के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, आपसी झड़प में कई लोग घायल। हरियाणा में रोहतक के बारातियों पर फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत। दिल्ली में खराब मौसम के बीच हल्की बूंदाबांदी, प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, मौसम विभाग ने जताई है पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना। हिमाचल के मनाली में होटल में भीषण आग, 75 कमरों का रिजॉर्ट आग की भेंट चढ़ा, करोड़ों के नुकसान की आशंका। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर, दूसरी पारी में भारत ने दिया था महज 19 रनों का लक्ष्य।